नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में प्रदेश के लोगों के साथ हर्षोल्लास के साथ अपना 57वां जन्म दिवस मनाया। समाज के विभिन्न क्षेत्रों से संबंध रखने वाले लोगों ने मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास ओक ओवर पहुंचकर उन्हें उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी और प्रदेश रेडक्रॉस अस्पताल कल्याण अनुभाग की अध्यक्षा डॉ साधना ठाकुर भी इस अवसर पर उपस्थित थी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय भाजपा अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्रियों, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने मुख्यमंत्री को जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने मुख्यमंत्री के स्वस्थ जीवन और दीर्घायु की कामना की। प्रदेश मंत्रिमंडल के सदस्यों, विधायकों, विभिन्न बोर्डों और निगमों के अध्यक्षों तथा उपाध्यक्षों, वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों और अन्य लोगों ने भी मुख्यमंत्री को जन्मदिन की बधाई दी। ओकओवर में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, बहुत सारे लोगों ने जन्मदिन की शुभकामनाएं आज दी है और जिन्होंने भी शुभकामनाएं दी है उनका मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। और आज जन्मदिन के अवसर पर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँ, जिस सेवा के भाव के साथ हम सब लोग काम कर रहे हैं समाज के लिए, उसी प्रकार से हम काम करते रहे। ईश्वर हमको और सेवा करने के लिए शक्ति दे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। मुख्यमंत्री ने हिमफेड, हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड और कैलाश जिला कोऑपरेटिव मार्केटिंग एंड कंज्यूमर फेडरेशन लिमिटेड के कैलेंडरों का भी विमोचन किया। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने शिमला में वर्चुअल माध्यम से जिला चंबा के चिकित्सा महाविद्यालय, नागरिक अस्पताल चुवाड़ी, शिमला जिला के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल, कमला नेहरू अस्पताल, क्षेत्रीय अस्पताल रामपुर और नागरिक अस्पताल रोहड़ू में 6,60,00,000 रुपए की लागत से निर्मित 6 PSA संयंत्रों का लोकार्पण किया। उन्होंने 10 करोड़ रुपए की लागत से 2 CT scan मशीनों का भी लोकार्पण किया। इनमें से 1 CT scan मशीन सिरमौर जिला के नाहन चिकित्सा महाविद्यालय में और दूसरी चंबा जिला के चिकित्सा महाविद्यालय में स्थापित है। उन्होंने नाहन चिकित्सा महाविद्यालय के लिए आधुनिक तकनीक युक्त डिजिटल एक्सरे मशीन का भी उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 3 नए स्वास्थ्य कार्यक्रमों का भी शुभारंभ किया। इन कार्यक्रमों में मिशन दृष्टि के अंतर्गत 6ठी से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों की आंखों की जांच की जाएगी और आवश्यकता अनुसार उन्हें निःशुल्क NK प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री द्वारा आरंभ की गई आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम के तहत 2 शिक्षकों को प्रत्येक विद्यालय के लिए स्वास्थ्य और वेलनेस एम्बेसडर नियुक्त किया जाएगा। इन शिक्षकों को किशोरावस्था से जुड़े 11 विषयों के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। ये एम्बेसडर प्रत्येक कक्षा के कम से कम 2 विद्यार्थियों को हेल्थ एंड वेलनेस मैसेंजर के रूप में तैयार करेंगे। वर्तमान में ये कार्यक्रम प्रदेश के 6 जिलों मंडी, कांगड़ा, बिलासपुर, ऊना, चंबा और सिरमौर के 3,017 स्कूलों में आरंभ किया जा रहा है और बाद में इन्हें अन्य जिलों में भी आरंभ किया जाएगा। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य वर्ष 2025 तक प्रदेश को क्षय रोग मुक्त राज्य बनाना है। इस अवसर पर उन्होंने क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम से संबंधित दिशा निर्देशों वाली पुस्तिकाओं और स्वास्थ्य विभाग के अन्य प्रकाशनों का भी विमोचन किया। इस अवसर पर संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, आज के इस कार्यक्रम में विशेष तौर से स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक आग्रह आया हमारे समक्ष के आज आपका जन्मदिन है और जन्मदिन के अवसर पर ये सेवा से जुड़ा हुआ कार्य है और इस सेवा से जुड़े इस कार्य को हमने उस दिन हमने शुरू कर दिया है। हालांकि मैंने कहा था कि आमतौर पर जन्मदिन के पक्ष में मैं कोई भी कार्यक्रम नहीं रखता हूँ, लेकिन बहुत विनम्र आग्रह था और मुझे भी लगा कि आज जिस तरह की परिस्थिति हमारे सामने जो बनी है कोविड की, दो दौर कोविड के हो चुके और दूसरे दौर के बाद तीसरे दौर की भी शुरुआत बहुत तेजी से हो रही है, हमारे लिए चिंता का विषय है। इसलिए मुझे भी लगा बिना विलंब के ये सारी सुविधाएं हमको तुरंत जो है वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में समर्पित करनी चाहिए। सभी जगह जाकर के हम उद्घाटन करने के लिए जाएंगे उसमें वक्त लगेगा और इसलिए बेहतर होगा कि अब एक स्थान से जुड़ करके वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम के माध्यम से इन सभी जगह, चाहे वो PSA प्लांट्स की बात है, चाहे वो डिजिटल एक्सरे की बात है, चाहे वो हमारे CT scan की बात है, ये सुविधाएँ आज शुरू हो गई। मैं सभी जगहों को बधाई भी देता हूँ और आज के इस कार्यक्रम में आप सब हमारे साथ जुड़ करके
जन्मदिन की शुभकामनाएं आपने हमको दी, उसके लिए आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे लिए चिंता का विषय है और हमारे लिए नहीं पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय फिर से कोविड का नया वेरिएंट जो है ओमिक्रॉन बहुत तेजी से फैलता जा रहा है और ऐसी परिस्थिति में हम देख रहे हैं कि बहुत सावधान होकर के हमको चलना होगा। पिछले कल कैबिनेट की बैठक में हमने कुछ विषयों पर बातचीत की और एक सिंबॉलिक जिसको कह सकते हैं थोड़ी रिस्ट्रिक्शन की दृष्टि से हमने बातचीत की, निर्णय लिए, जिसमें सोशल गैदरिंग के बारे में हमने निर्णय लिया कि 50% ऑफ द टोटल कैपेसिटी, जिसमें हमने ये निर्णय लिया कि जो हमारे मंदिर है मंदिर में दर्शन और पूजा जारी रहेगी, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर जो लंगर है वो लंगर आयोजित अब नहीं होंगे। हम सब लोगों को बहुत सावधान होकर के काम करना पड़ेगा। जो नए इस वेरिएंट के बारे में जो जानकारी दी गई है वो आप लोगों को सब जानकारी है, क्योंकि आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से और नेट के माध्यम से सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है। संक्रमण बहुत तेज है ये बताया जा रहा है, लेकिन साथ में ये भी बताया जा रहा है संक्रमण फास्ट होने के साथ साथ में उतना घातक नहीं है जीवन के लिए। लेकिन हम ऐसा मान करके चले कि जीवन के लिए घातक नहीं है इसलिए सावधानी बरतने की जरूरत नहीं है, वो सोचना वो मानना गलत हो। हमको सावधानी के साथ ही काम करना है, ऐसा मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है। और विशेष तौर पर जो जन्मदिन की शुभकामनाएं सब साथियों ने दी, पूरे प्रदेश भर से, हिमाचल प्रदेश के अनेक स्थानों से हमारी पार्टी के साथियों ने, दूसरे दल के नेताओं ने, सब लोगों ने जिस प्रकार से आपके इस अवसर पर मुझे जन्मदिन के अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दी, और उसके लिए मैं सभी हिमाचल वासियों का, सभी साथियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और नए साल शुरू हुई है, नए साल तो शुरू हुए अभी आज के दिन तो मिलाकर के 6 दिन हुए हैं, तो नए साल की भी मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और ये नया साल आप सबके लिए शुभ हो। और नए साल शुभ होने के साथ साथ में हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, देवी देवताओं से प्रार्थना करते हैं कि ये कोविड का दौर अब समाप्त हो। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने शिमला में मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 के अंतर्गत विशेष नशा निवारण हेल्पलाइन का शुभारंभ किया। इस हेल्पलाइन का उद्देश्य ड्रग्स पर निर्भर हो चुके मरीजों और ड्रग्स प्रभावितों के माता पिता व अभिभावकों का जरूरी मार्गदर्शन करना और उन्हें परामर्श मुहैया करवाना है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश नशा निवारण बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट का भी शुभारंभ किया, जिसमें बोर्ड के विजन और भविष्य में प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों की जानकारी दी गई है। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर को हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड की ओर से उद्योग मंत्री श्री बिक्रम सिंह और एसआईडीसी के प्रबंध निदेशक श्री राकेश प्रजापति द्वारा कोरोना वायरस की संभावित तीसरी लहर के दृष्टिगत हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के लिए 21 लाख रूपये का चेक भेंट किया। मुख्यमंत्री ने इस पुनीत कार्य के लिए आभार व्यक्त किया। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।